ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी है। इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। राजनीति से इतर द सूत्र ने मध्यप्रदेश के चार महानगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की तो उनकी नपीतुली प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं, मोहन भागवत जी। सुना आपने, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कह रहे हैं वो हैं डॉक्टर उमर अहमद इलियासी, जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम हैं। 22 सितंबर गुरुवार को मोहन भागवत ने दिल्ली के इमाम हाउस में मस्जिद के बंद कमरे में करीब एक घंटे तक चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से बातचीत की। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में यह पहली मुलाकात थी। यहां डॉक्टर इलियासी ने यह भी कहा कि हमारा डीएनए एक ही है, सिर्फ इबादत करने का तरीका अलग है। इसके बाद एक सवाल के जवाब में चीफ इमाम मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि तक कह गए। एक बार फिर सुनिए कि डॉक्टर इलियासी ने क्या कहा। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं, मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। चीफ इमाम डॉक्टर इलियासी के इस बयान के बाद बहस भी छिड़ गई कि क्या मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा तो केवल महात्मा गांधी को मिला है। सवाल ये भी है कि क्या राष्ट्रपिता का दर्जा संवैधानिक है या नहीं। दूसरी ओर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सब इमाम साहब का निजी मसला है, इससे मुस्लिमों को कोई मतलब नहीं। हमारे समाज में जो ये एक इलीट तबका है उसे रियलिटी से कोई मतलब नहीं। तो ये जो इलीट तबका है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, जिनको रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं है कोई, जमीन पर क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम, जो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप जाकर मिलते हैं आरएसएस के चीफ से, ठीक है आपका आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, और आपको तो कोई राइट नहीं है क्वेश्चन करने का हमको। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी मामले को राजनीतिक रंग से रंग दिया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में मीडिया से चर्चा की और कहा कि चीफ इमाम डॉक्टर इलियासी ने दबाव में आकर मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा है, जबकि भागवत का इमाम से मिलना कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हुआ है। जो हृदय परिवर्तन हो रहा है वो मुझे बेहद खुशी है कि मोहन भागवत जी के हृदय परिवर्तन में भी एक संकेत हमें मिल रहे हैं। वो इमाम साहब जब ये बात कर रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि कितने दबाव में कर रहे हैं। हम उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है। ये तो थी सियासी बात है। लेकिन इससे अलग द सूत्र ने प्रदेश के चार बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के मुस्लिम धर्मगुरुओं से मसले पर बातचीत की। उन्होंने इस मामले पर नपीतुली प्रतिक्रिया दी। सुनिए। और उमर इलियासी साहब का मोहन भागवत जी से मिलना एक अच्छी पहल है और मुल्क के अंदर गंगा जमुनी तहजीब का एक अच्छा पैगाम पहुंचाया जा रहा है। जहां राष्ट्र पिता और दीगर खिताब से उनको नवाजना है तो वो इलियासी साहब का अपना ज़ाती ख्याल है। राष्ट्रपिता की उपाधि किसी एक आदमी के देने से नहीं है, ये उनका अपना ज़ाती ख्याल है। लेकिन जो मौलाना साहब ने शब्द का प्रयोग किया राष्ट्रपिता का, वो उनकी निजी राय हो सकती है या ये है कि वो जो है धार्मिक व्यक्ति हैं इसलिए वो उसको ना समझ पाते हों। बाकी बहुत सारे शब्द थे जिनका प्रयोग किया जा सकता था, महापुरुष कहा जा सकता था, महान व्यक्तित्व कहा जा सकता था, लेकिन वो भावावेश में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है उससे मुनासिब नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ जी, आपस में समन्वय करने रहना चाहिए, चर्चाओं के दौर होते रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि नेता अपनी जगह है, सबसे बड़ी बात है मुस्लिम समाज में मोदी जी और संघ के प्रति विश्वास पैदा होना चाहिए। विश्वास पैदा नहीं होगा, समाज में विश्वास कैसा पैदा होगा।
और मस्जिद से तो हर बार रोजाना 5 दफा आजान में दावत दी जाती है, इनवाइट किया जाता है, अय्याला सलाह अय्याला फला आइए बुलाया जाता है। तब उस बुलावे पे अगर मोहन भागवत साहब वहाँ चले गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने अपनी अकीदत पेश की है तो इसमें कौन सी नई बात हो गई। तो आपने एमपी के चारों महानगरों के मुस्लिम धर्मगुरुओं को सुना, सभी ने बेहद नपे तुले अंदाज में अपनी बात कही, लेकिन चीफ इमाम डॉक्टर इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता क्यों कहा ये वो ही जाने, क्योंकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देश को गढ़ा है। भले ही भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा संवैधानिक ना हो, लेकिन बापू को देश का बच्चा बच्चा राष्ट्रपिता कहता है। अब मोहन भागवत ने देश को गढ़ने के लिए क्या किया है ये भी चीफ इमाम डॉक्टर इलियासी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।